अगर आप भी चाहते हैं अपने पसंदीदा शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता से पूर्ण आभूषण खरीदना, तो आपके अपने ही शहर में स्थित दीक्षित ज्वेलर्स शिमला चले आना। दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। संपर्क करें 01772671115। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास, तो यहाँ आकर पूरी होगी आपकी हर एक आस। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल कमला नगर शिमला। सत्र 2024 और 25 के लिए प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक और पहली से 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक। तो जल्दी कीजिए, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कार युक्त शिक्षण संस्थान के लिए एकमात्र विकल्प आपके अपने शहर शिमला में सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल कमला नगर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8278810797 पर। महाराष्ट्र का एक युवक एकनाथ समाज को इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश करने और नशे से दूर रहने का संदेश लेकर पिछले 3 माह से साइकिल यात्रा पर है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली इस यात्रा में एकनाथ सेव इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन का संदेश लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बता दें कि पिछले 11 दिनों से एकनाथ हिमाचल प्रदेश में है। इस यात्रा के माध्यम से वे लोगों को पर्यावरण संरक्षण और नशे से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। हमारे क्या है कि हम इस आधुनिकता और ये वेस्टर्न कल्चर की वजह से बहुत ज़्यादा खुद को कूल समझने के चक्कर में हम नशा करते हैं, सिगरेट फूकना या फिर दारू या बहुत से ऐसे नशे करते हैं। लेकिन एक मैं बात बताना चाहूँगा सबको कि जब हमारे कोई टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, उसके हम इतनी केयर करते कि उसको ख़राब ना होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन हमारा शरीर जो उसकी कीमत करोड़ों में है, जो हम काउंट भी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें हम वो नशा करके उस शरीर का पूरा ख़राब कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कंपेयर करके देखना चाहिए कि हम जैसे गाड़ी की और टू व्हीलर फोर व्हीलर की जितनी केयर करते हैं, तो वह शरीर भी उससे भी ज़्यादा कोई कीमती है। तो उसके लिए हमारा शरीर के लिए जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो अच्छी तरह से हम खुद को बचा सकते हैं, खुद को हेल्दी रख सकते हैं, वो चीज़ें करनी चाहिए। नशा करना ना ही अपना कल्चर है, ना ही अपना ट्रेडिशन है, और ना ही हमारा यहाँ का एटमोसफेयर है कि वो करने के लिए। जैसे कि जो ठंडा में कुछ ऐसे नशे कर लेते हैं, जो गर्मी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर को हम पूरा का पूरा उध्वस्त करके और ये चीज़ें करना, मुझे तो गलत लगता है। और लोगों, मतलब युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितनी हम हमारी जो भौतिक चीज़ों की केयर करते हैं, उतनी हमारी शरीर की केयर करना चाहिए, हमारी बॉडी की। एक बात बताना, मैं सबको बताऊँगा कि एक बात कि यहाँ के जितने पहाड़ बड़े, तो हिमाचली लोगों का इतना दिल बड़ा है। अभी मुझे 11 दिन हो रहे हैं हिमाचल में आते हुए, ना रहने का खर्चा लगा है, ना खाने का खर्चा लगा है, कुछ भी नहीं। हर जगह पे लोगों ने मुझे मदद की है, उनके घर बुलाया, घर रहा हूँ उनके, तो मुझे किसी भी जगह पे टेंट भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी हर एक जगह। ये मैं यही कि मैं हमेशा कहूँगा, कभी भी जा रहे हो ना, अगर हिमाचल में जा रहे हो कि प्लान करना है, भाई प्लान मत करो, सीधा निकल के आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है प्लान करने की, बस आ जाओ, कहीं भी रह सकते हो। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।